हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बता देना आज आप इंडिपेंडेंस डे किस तरह से मना रहे हो और किसके साथ मना रहे हो, स्कूल जा रहे हो कि नहीं। गाइस नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। आज की वीडियो में मैं एक दमदार और कमाल धमाल आरसी बाइक की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। ये जो आरसी बाइक यहां पे आप देख रहे हो, मैंने शायद 5 से 6 महीने पहले भी इसकी वीडियो बनाई थी चटपट टॉय टीवी पर वहां पर ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा नहीं था। गाइस ये जो बाइक है मेरी अब तक की सबसे ज्यादा फेवरेट बाइक है। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बोल रहे थे कि आरसी बाइक की वीडियो डालने के लिए। तो दोस्तों ये रही कमाल धमाल आरसी बाइक। तो चलो इसको अनबॉक्सिंग करने से पहले अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं। दोस्तों आपका सबसे फेवरेट टॉय कौन सा है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। अभी कभी जितने ज्यादा लोग कमेंट करेंगे मैं उतने सारे टॉयज की अनबॉक्सिंग करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा आने वाले वीडियोस के अंदर। तो इस तरह के बॉक्स में मिला है हमें ये आरसी बाइक। इसे मैंने खरीदा है अमेजोन से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चाहे तो इस आरसी बाइक को खरीद भी सकते हो। तो चलो अभी हमारे आरसी बाइक को यहां से निकाल लेते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो पर जरूर से लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी दबाना और ऑल पर भी जरूर से क्लिक कर देना। तो भाई ये आ गई हमारी स्ट्रीट बाइक, काफी ज्यादा अग्रेसिव, काफी ज्यादा खतरनाक बाइक है गाइस। ये वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना गाइस। आज इस बाइक को जो है मैं रोड के ऊपर पूरी तरीके से चला के भी बताने वाला हूँ। तो चलो फटाफट से इसको रिमोट को मैं निकाल लेता हूँ थोड़ी देर में। तो इसके साथ हमें यहाँ पर यह है इसकी रिचार्जेबल बैटरी मिलती है, 700 mAh की बैटरी है और बैटरी को चार्ज करने के लिए ये चार्जर है। ये बैटरी जो है 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। तो फटाफट से पहले मैं आपको ये बाइक की क्वालिटी दिखा देता हूँ। देखने में काफी ज्यादा रियलिस्टिक सा लुक है इस बाइक का। और यहाँ पर ये जो राइडर है, इस राइडर को आप चाहे तो यहाँ से निकाल भी सकते हो, वापस से लगा भी सकते हो। और राइडर के हाथ में यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, ये बाइक जो है इतनी ज़्यादा स्पीड दौड़ती है, ये राइडर जो है बार बार अपने हाथ हैंडल से हटा देता है। इसीलिए इन लोगों ने, देख रहे हो गाइस, इसके हाथ को जो है यहाँ से वायर से बांधा हुआ है हैंडल से, ताकि ये राइडर नीचे ना गिर जाए। तो गाइस इसके व्हील से ही आपको यहाँ पे अंदाजा लग जाएगा कि ये जो बाइक है कितनी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और सामने की भी व्हील्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो तकरीबन 1/2 inch का सामने का व्हील है और तकरीबन 1 inch से भी ज़्यादा का पीछे वाला व्हील दिया हुआ है इन लोगों ने। और यहाँ पर है इसका इंजन जैसा डिज़ाइन दिया हुआ है। और दोस्तों पूरी तरीके से ये जो बाइक है एकदम रियलिस्टिक बाइक जैसी ही नज़र आती है और सामने की जो हेडलाइट है इसके अंदर काम भी करती है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है इस बाइक की। और नीचे की तरफ यहाँ पर हमें डालनी होती है इसकी रिचार्जेबल बैटरी, यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और साइड में जो है 2 छोटे-छोटे व्हील्स भी दिए हुए हैं इस बाइक को बैलेंस करने के लिए। इसका जो सामने वाला व्हील है, अगर आप इसको टर्न भी कर देते हो इस तरह से, तो वापस से ये अपने प्लेस में ही सेंटर में आ जाता है। तो इस वजह से ये जो बाइक है इसका बैलेंस नहीं बिगड़ता है। तो आप इसको लेफ्ट को या फिर राइट को भी करोगे तो गाइस देख रहे हो वापस से ये जो व्हील है एकदम सेंटर में आ जाता है। तो इसके अंदर शायद इन लोगों ने कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है ताकि इसका बैलेंस ना बिगड़ सके। तो रिमोट भी दिखा देता हूं मैं, ये रहा इसका रिमोट। रिमोट का साइज जो है काफी ज्यादा छोटा है, यहाँ से रिमोट को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। और ये जो रिमोट है पूरी तरीके से 2.4 GHz फ्रिक्वेंसी पे चलता है। यहाँ पे इसकी स्टीयरिंग, यहाँ से आप बाइक को जो है लेफ्ट को और राइट को टर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें डालनी होती है 2 AA बैटरीज, इसके अंदर बैटरीज मैंने ऑलरेडी डाल के रखी हुई है। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं बाहर फटाफट से इस बाइक को टेस्ट करने के लिए, देखते हैं इस बाइक की स्पीड कितनी जबरदस्त है। दोस्तों इस बाइक को टेस्ट करने के लिए मैं आ चुका हूँ मेन रोड के ऊपर। अभी मैं इस बाइक को यहाँ पर टेस्ट कर रहा हूँ। स्पीड जो है इस बाइक की काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी अच्छी तरीके से अभी इस बाइक ने स्पीड गेन कर ली है। शायद इसकी स्पीड जो है तकरीबन 20 km/h होगी। एक चीज़ इस बाइक के अंदर मैंने नोटिस किया है दोस्तों, ये जो बाइक है कुछ ज़्यादा ही लेफ्ट की ओर जाने लगती है। तो जैसे ये लेफ्ट को जाती है मैं इसके रिमोट के अंदर राइट को घुमा रहा हूँ, तो ये जो बाइक है काफ़ी अच्छे तरीके से राउंड भी घूम जाती है। ज़्यादातर जो बाइक्स है जैसे हम उसे टर्न करते हैं बाइक का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है और बाइक जो है नीचे गिर जाती है, पर इस बाइक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इसे राउंड भी घुमा के देख लिया है, काफ़ी अच्छी तरीके से ये जो बाइक है टर्न भी ले लेती है। तो ओवरऑल बाइक की स्पीड मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी और देखने में भी ये जो बाइक है कुछ अलग ही नज़र आती है। काफ़ी बल्की बाइक है दोस्तों ये,
तो रिमोट का रिसेप्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा मेरे को। इसके अंदर हमें 2.4 GHz का रिमोट देखने को मिलता है और इसकी रेंज जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो इस बाइक को मैं यहाँ पे अभी मेन रोड पे टेस्ट कर रहा हूँ। अभी हम लोग इसे जो है ऑफ रोड में भी टेस्ट करके देखेंगे, देखते हैं ऑफ रोड में ये बाइक चल पाती है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों मैंने आज तक कोई भी बाइक को ऑफ रोड में टेस्ट नहीं किया है। ऑफ रोड में अभी मैं इसको चला रहा हूँ, ऑफ रोड में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से ये जो हमारी बाइक है चल रही है। थोड़ी मिट्टी है, मिट्टी के अंदर भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। तो जैसे इसके नीचे पत्थर कुछ आ रहे हैं, इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी कम हो रही है। तो दोस्तों बाइक ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप चाहे तो इस बाइक को ख़रीद भी सकते हो। ओवरऑल ये जो बाइक है मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। दोस्तों आपको ये बाइक कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ आप लोगों को शाउट आउट। दोस्तों आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है योगेश, सोनू कुमार, अध्याय, श्याम, साग्निक, भूपेंद्र कुमार, बिरजू मंडल, अरविंद दास, निवेदिता दास, सुरेश कुमार। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार RC बाइक्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।